हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से हमें, जहां चोरी के आरोप में ही दूजने आपस में ही भिड़ गए। इस समय दोनों के बीच जम के चाकू भाजी भय। बतावा जात है भाई के गुंडा भाड़ी में बुलाए गए रहे, जे दिन दहाड़े भरे बाजार में ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। यह घटना अमहिया थाना के अंगूरी बिल्डिंग के समूह के बताई जाती है। अपनों देखी सलगी घटना और जानी दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर काहे खातिर चाकूबाजी करे। कौन मारा है? राजू सरपंच ने मरवाया, मनकारी वाला 20 लड़के हमारे ऊपर वार कर रहे थे। क्यों मरवाया? 20 लड़के, ये मेरे को चोरी लगाया था सर। पहले बोला 1,000 रूपए, फिर 2,000 रूपए, फिर बोला 10,000 की चोरी तुम किए हो। पूरी रात गवाही करवाया, फिर पैसा नहीं दिया सर हमको। कहाँ से आया था? कौन भेजा था तुम? कौन भेजा था? अरे चुप रहा, राजू भेजा था। अरे इधर बता, कौन भेजा था? राजू कई लोग मारे थे। राजू सर, कौन कौन आया था साथ में? कितने लोग आए थे? मुझे दो लोगों का पता है बस, बाकी को नहीं था। कुछ पैसा वैसा दिया था? पैसा चुराया रहा, फिर तुमको पैसा दे के भेजे थे? ऐसा ही मारने आए थे? कौन कौन था साथ में? कौन कौन था साथ में तेरे? जब मैंने पैसा चुराया था भाई यार, क्यों नहीं करवाया? हमको गोली मारने के लिए कौन था? रीवा माही भारतीय सेना में भर्ती हुई के भारत माता के सेवा के सपन देखे वाले युवन खातिर हर दिन खुशखबरी मिले वाली है। काहे से कि आवे वाले कुछ है महीना माही शहर में आर्मी भर्ती खातिर रैली के आयोजन हुए वाला है। ओ रैली खातिर कलेक्टर मनोज पुष्प अनापत्ति प्रमाण पत्र घलाए जारी कर लिए। रीवा जिला में ही एक दर के पुनी के गुरु और शिष्य के रिश्ता का तार तार किन गहबाए। अपना का बताई दी कि आरोपी शिक्षक छात्रा का हवस के शिकार बनाए दिन, जहां शादी का झांसा दई के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करिन औखे बाद शादी से इनकार कर दिन। सल के मामले में ही पीड़िता महिला थाना पहुंच के आपन शिकायत दर्ज कराई है। वह पुलिस मामला में ही कार्रवाई कर रही है। रीमा माही अवैध हथियारन माही रोक नहीं लग पावत ला गया। अपना बता दी के कोनो बड़ी वारदात का अंजाम दे के चक्कर में घूमे वाले दूठे युवकन का पुलिस हिरासत में लेहिन, जिनके तलाशी से देसी कट्टा और पिस्टल बरामद भई है। वह वारदात करे से पहले नु पुलिस के हाथे चढ़ी गए। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस दोनों बदमाशन का ही गिरफ्तार कर लेनी और पूछताछ कर रहा है। तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना, तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। खबर रीमा के सेमरिया से है, जहां पटवारी और तहसीलदार के दबंगई के मामला समूहे आबा। अपना बता दी कि पीड़ित बताइन कि बीपीएल कार्ड बनवावे के वो आवेदन दिए रहे, पर दोनों टाल मटोल करत रहे। वह जब मामला के शिकायत पीड़ित सीएम हेल्पलाइन में करवाए दिन, तो दबाव बनाए के पीड़ित के शिकायत घलाए कटवाए दिन। पीड़ित जानकारी दिन कि उनके बिटिया के एडमिशन खातिर 5 तारीख तक स्कूल में कागजात जमा करावे का रहा, पर समय बीत जाए के बाद बीपीएल कार्ड नहीं बन सका, जिसे बिटिया प्रवेश से वंचित हो गए। नाम मोहिना सिंह बघेल है, मेरे पापा का संदीप कुमार सिंह बघेल है, मेरे मम्मी का नाम रेणु सिंह बघेल है, मेरा गांव बरों में है। मेरा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया था, पर तहसीलदार और पटवारी जी के कारण बीपीएल कार्ड ना बनाने से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्या मैं नहीं पढ़ सकती हूँ? मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो मेरी फीस भर सके। हम हेल्पलाइन करते हो तो बोले कि सर हम परेशान हैं, इसलिए ऐसी हम हेल्पलाइन कर दिए थे। तो मायूरी त्रिपाठी और प्रवीण त्रिपाठी जी तहसीलदार साहब हमसे मिलकर मोबाइल मांगे, मोबाइल मांगने पर हम नहीं दिए तो लपट के छीन कर मोबाइल ले लिए और फिर हमारी शिकायत ओटीपी निकाल करके बंद कर दिए और हमको पता भी नहीं चला। जब हम मोबाइल देखे तो उसमें मैसेज आया कि आपकी शिकायत बंद कर दी गई है, तब हमको पता चला और हम केंद्रीय विद्यालय से हमारी बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया। रीमा के एसएएफ ग्राउंड में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरा हबै, पर विडंबना यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के जगह में ही भीड़ नहीं जुटान, जेके चलते अब आयोजक का कुर्सी बटोरे पर अल्लाह ही बै। अपना का बताई दी कि गर्मी और शासन के योजनन का ठीक से क्रियान्वयन न होए के कारण अब जनता के सरकार से मोह भंग होतला हबै, जेके कारण सीएम के कार्यक्रम में घलाए जनता इकट्ठा नहीं हो पाई। नेतन के रटे रटाए भाषण से उबी जनता अब कार्यक्रम स्थल में पहुंचते नहीं ला गया। अपना देखी ऐसे अब मैदान के कार्यक्रम के स्थिति कौन मेर से कुर्सी बटोरी चाल ला ही बै। दिखा सकते हैं हम, जैसा कि देख रहे हैं दूर दूर तक जनसेना उमड़ा है। हम आपको बता दें
रीवा जिले में आज का ये कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन मध्य प्रदेश साथ ही YouTube के विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आज के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। दिखा सकते हैं हम, जैसा कि देख रहे हैं दूर दूर तक जनसैना उमड़ा है। रीवा के माध्यम से स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर, और मध्य प्रदेश पायोनियर स्टेट बन रहा है, शुरुआत कर रहा है। की बात है कि मध्य प्रदेश पायोनियर स्टेट है स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। रीवा के माध्यम से स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर पर, और मध्य प्रदेश पायोनियर स्टेट बन रहा है, शुरुआत कर रहा है स्वामित्व योजना की। स्वामित्व योजना की शुरुआत की घोषणा हुई थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी राज्य स्तर। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंदी के बघेली समाचार। नमस्कार।